रीजन में धीरे धीरे कंडम हो चुकी है। रोडवेज बसों को विदा कर नई BS6 बसों का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली में BS3 और BS4 बसों पर प्रदूषण के चलते पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब तक परिक्षेत्र में 150 से अधिक BS6 बस आ चुकी है। रीजन में कंडम हो चुकी रोडवेज बसों को विदा कर नई मिल रही BS6 बसों का संचालन किया जा रहा है। प्रदूषण के चलते दिल्ली में BS3 और BS4 बसों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश भर को नई बस मिलने जा रही है। जैसे जैसे बस तैयार हो रही है, वैसे वैसे प्रदेश को बस उपलब्ध कराई जा रही है। BS6 की गाड़ियाँ मुख्यालय ने इस महीने में 4 गाड़ी दी है और 10 गाड़ी वो 6 गाड़ी आने की और उम्मीद है। इस प्रकार से 10 गाड़ी मार्च महीने में मिलने की पूरी उम्मीद है। इस समय BS6 की 31 गाड़ियां ईदगाह डिपो में हैं। दिल्ली सरकार ने BS3 और BS4 की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए ये गाड़ियां ज़्यादातर दिल्ली मार्ग पर संचालित हैं। कुछ गाड़ियां लंबी दूरी पर रुपेड़िया पर लगाई गई हैं। आगरा परिक्षेत्र में 150 से अधिक BS6 बस उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसमें ईदगाह डिपो को 31 बस मिल गई हैं। इसी तरह ISBT बिजलीघर और ताज डिपो को बस मिल गई हैं। सरकार से मिल रही BS6 बसों में आरामदायक सीट होने के साथ पैनिक बटन लगे हुए हैं। किसी भी परिस्थिति में पैनिक बटन दबाकर यात्री पुलिस की मदद ले सकते हैं। देखिए, इसके इंजन में सीटों की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। बाकी तो साधारण गाड़ी हैं, पैनिक बटन भी मतलब जो है लगे हुए हैं इन बसों में, ये प्रदूषण रहित हैं। परिक्षेत्र में 550 से अधिक निगम की बसें हैं। अधिकांश बस अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं। नई बस मिलने के बाद पुरानी कंडम हो चुकी बसों को नीलाम किया जाएगा। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।